केंद्र सरकारच्या कर्मचारी विरोधी धोरणाच्या विरोधात 28 व 29 मार्चला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांतर्फे देशव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले. त्या अनुषंगाने आज मंडल रेल्वे प्रबंधक कार्यालय येथे नॅशनल रेल्वे मजदूर युनियनतर्फे द्वार सभेचे आयोजन करण्यात आले. रेल्वे विभागात रिक्त असलेल्या पदांवर लवकर भरती करण्यात यावी, तसेच केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे खासगीकरण थांबवावे अशा अनेक मागण्या घेऊन आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारने दखल न घेतल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष हबीब खान यांनी दिलाय. ये जो श्रम कानून में सरकार बदलाव कर रही है, नए नए बदलाव सरकार ला रही है, जिसमें असंगठित मजदूर संगठित मजदूर दोनों के लिए घातक है. हम बार बार बोल रहे हैं कि न्यू पेंशन स्कीम रद्द करो, पुरानी स्कीम बहाल करो. उसी तरह वैकेंसी रेलवे में 4 लाख वैकेंसी, हर जगह पर बेरोजगार घूम रहे हैं. वैकेंसी लेने के पश्चात भी सरकार वैकेंसी फिलअप नहीं कर रही है. आज इन्होंने PNT में जाना, RM पोस्टल टेलीग्राम भेज दिया, BSNL भेज दिया, एयरलाइंस भेज दिया, रेलवे को भी बेचने के लिए काफ़ी मशक्कत कर रहे हैं लोग. लेकिन यूनियन यहाँ मजबूत है और यूनियन की ताकत के वजह से वो कामयाब नहीं हो पा रहे. हम रेल का चक्का जाम करने के लिए, अगर रेल का चक्का जाम होगा तो किसान आंदोलन से भी ज़्यादा मजबूत ये आंदोलन होगा. रेलवे का 75 का इतिहास, 74-75 का जो इतिहास है उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेगा. और हम सक्षम है क्योंकि वो सब त्रस्त है. जिस तरीके से हिटलर शाही सरकार चला रही है, इस हिटलर शाही के खिलाफ में अब सामाजिक संस्थाओं को और जितने संगठन है उनको सामने आना पड़ेगा. उसके बिना देश नहीं बचेगा, रेल नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा. रेल की संपत्ति देश की संपत्ति. जिस तरीके से हम देश में रेल में सेवा करते हैं, कोरोना काल में कोई नेता नहीं आया था, कोई बड़े बड़े उद्योगपति नहीं आए थे, यही रेल कर्मचारियों ने ये रेल को चलाकर जगह जगह अनाज पहुंचाने का काम किया, सब्जी भाजी पहुंचाया. कोरोना काल में इतने रेल कर्मचारी हमारे कोरोना काल में शहीद हो गए. इसके लिए वे फ्रंट लाइन स्टाफ इस सरकार ने घोषित नहीं किया. ये बड़ा दुख का साथ करना पड़ता है कि इतने कड़ी परिस्थितियों में रेल कर्मचारियों ने सेवा किया, चाहे हमारा गार्ड हो, ड्राइवर हो, हमारा पैसेंजर हो, ट्रेन पटरी का काम करने वाला कर्मचारी हो. ईमानदार से रात दिन मेहनत किया और कोरोना काल में सभी नागरिकों को अपने सेवा पहुंचाने का काम किया. कोई नेता कोई नहीं, सब घरों में बैठे थे. ये बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसको फिर भी फ्रंट लाइन स्टाफ नहीं कहलाते हैं. हमारा लोको पायलट नहीं जाता गाड़ी लेके, हमारा गार्ड नहीं जाता, रेलवे की पटरी की मरम्मत हमारा ट्रैकमैन नहीं करता, पाइट में हमारा गाड़ी नहीं लगाता, CNW स्टाफ हमारा कोस्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिकल स्टाफ हमारा काम नहीं करता. तो ये कोरोना में कई बड़ी की नौबत आ सकती थी.